वेलकम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये तो पढ़ा था, है ना? तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है? सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, उसके बाद मैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बताता हूँ। देखो, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या था, जब भी हम वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, जो वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, ओके, ये एक बीकर है क्लोज्ड, और ये आप मान लो वॉलेटाइल लिक्विड है उसके अंदर। जब भी इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉलिड डालेंगे हम, है ना, तो जो वॉलेटाइल लिक्विड होता है ना, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि देखो, स्टार्टिंग में जब केवल सॉल्वेंट था, वॉलेटाइल सॉल्वेंट था, तो जो भी लिक्विड सरफेस होगा उसका, वो केवल उसी के पार्टिकल्स के द्वारा कवर होगा, है ना? तो क्योंकि वो सारे पार्टिकल्स क्या हैं, वॉलेटाइल हैं, तो इसलिए पूरा सरफेस जो है वॉलेटाइल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से कवर है, ओके? तो इसलिए वेपर प्रेशर जो लगना है वो लगेगा। पर जैसे ही हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट उसमें डालते हैं, तो क्या होता है, ये जो लिक्विड सरफेस है, कुछ लिक्विड सरफेस क्या हो जाता है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट से कवर हो जाता है। तो अब क्या होगा, जो इवेपोरेशन होगा लिक्विड सरफेस से वो कम होगा, क्योंकि वॉलेटाइल तो केवल सॉल्वेंट है ना, तो कम होगा, तो वेपर प्रेशर भी कम लगेगा। यह आया समझ में? तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये समझ में आ गया ना, ठीक है, कि वेपर प्रेशर लो हो जाता है। अब देखो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है। सपोज हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो कंपोनेंट ए है, और जो सॉल्यूट है वो कंपोनेंट बी है। अब देखो, सपोज जो सॉल्वेंट है वो जब क्या कह सकते हैं, प्योर स्टेट में, ओके, जब वो प्योर स्टेट में है, तो वो वेपर प्रेशर लगा रहा है अपने सरफेस के ऊपर पी नॉट ए, ओके। और जो ये पी नॉट ए कम हुआ ना, वो कितना कम हुआ, कितना कम होगा, सपोज जो प्योर स्टेट में है वो तो पी नॉट ए है, और जो अब लो हुआ है ना, लो होके कितना हुआ, सपोज वो पी ए हो गया, तो कितना पार्ट जो इनिशियल वेपर प्रेशर था ना उसका, तो कितना पार्ट लो हुआ, वही क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। देखो, पार्ट का मतलब क्या हुआ, जैसे एक रोटी है, इसके फोर इक्वल पार्ट्स करो, है ना, और एक पार्ट आप खा लो, तो कितना पार्ट आपने खाया, है ना, या तो हम कह सकते हैं रोटी में कितना पार्ट कम हुआ, तो 1/4, क्योंकि फोर पार्ट है ना, 1, 2, 3, 4, उसमें से वन क्या क्या आपने खाया, तो 1/4 कम हुआ। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी यही है कि कितना वेपर प्रेशर कम हुआ, ओके, कितना पार्ट ऑफ वेपर प्रेशर कम हुआ। ये आया समझ में? ठीक है, अब देखो इसमें एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो देखते हैं हम। देखो, जो पी ए है, जो वेपर प्रेशर अब बना, वो कितना बना, मतलब लो होके कितना हो गया, वो ये रॉस लॉ से आपने पढ़ा है ना, कितना होता है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, जो उसका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में, ओके। अब देखो, सपोज जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो कितना है, डेल्टा पी ए है, ओके, और डेल्टा पी ए इज इक्वल टू कितना होगा, पी नॉट ए माइनस पी ए, ओके, आ रहा है ना समझ में, जो कम हुआ कितना कम हुआ, ये इनिशियल था, और ये जब अब कम होके ये इतना है, ओके। तो अब हम पी ए की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, तो अब रखेंगे हम डेल्टा पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स ए, और अब पी नॉट ए को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, ओके, तो पी नॉट ए को बाहर कॉमन ले लो, और अंदर वन माइनस एक्स ए, तो वन माइनस एक्स ए क्या होगा, क्या होगा, देखो मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो वन होता है, आपको पता है ना, तो 1 माइनस एक्स ए जो होगा, क्योंकि दो कंपोनेंट हैं और उन दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा,
वन होगा, तो अब एक्स बी क्या होगा, वन माइनस एक्स ए होगा, तो ये कितना हो गया, एक्स बी हो गया, ये कितना हो गया, एक्स बी हो गया। तो डेल्टा पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स बी, ये हुआ। और अब आगे क्या होगा, देखो, डेल्टा पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए, इसको नीचे ले आएंगे, ओके, इज इक्वल टू एक्स बी। और इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए माइनस, ये है ना, ये पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए, ओके। इसको जरा ठीक से लिख लेता हूँ, पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। तो देखो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये है ना, तो ये कितना निकला, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकला। अब देखो इस इक्वेशन से हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, तो देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स बी, ओके। तो एक्स बी कितना होगा, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वो कितना होगा, वो होगा मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स इन दी सॉल्यूशंस, तो एन ए मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, ओके। अब देखो मोल्स इज इक्वल टू क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ओके। तो एन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, गिवन मास, सपोज गिवन मास जो है, जितना भी हम कंसंट्रेशन निकालते हैं, ओके, वो कितना है, डब्ल्यू बी, और मोलर मास कितना है, एम बी है, ओके। और वैसे ही एन ए का जो मोल्स ऑफ ए हैं वो निकलेंगे गिवन मास, डब्ल्यू ए अपॉन मोलर मास एम ए, ओके। तो ये वैल्यू फिर हम इस इक्वेशन में रख देंगे, ओके, रख दें, ठीक है, रख देते हैं। तो ये इज इक्वल टू हो गया, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू हो गया, एन बी कितना हुआ, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी, और ये टोटली डिवाइडेड बाई एन ए कितना हो गया, डब्ल्यू डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई एम ए प्लस डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी, ओके, ये हो गया। अब देखो मैंने क्या कहा था, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला जो वीडियो था उसमें मैंने क्या कहा था, जो भी ये सॉल्यूशन होगा वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम होती है, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है। तो यहाँ पे जो गिवन मास होगा ना, जितना भी कंसंट्रेशन हम डाल रहे हैं वो बहुत कम होगा, और जो सॉल्वेंट का जो गिवन मास होगा ना वो बहुत ज़्यादा होगा, ओके। तो इसलिए हम इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इज नियरली इज इक्वल टू, क्योंकि ये ना के बराबर है, ओके, ये नियरली इज इक्वल टू यही हो जाएगा, डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई एम ए, ओके। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे क्या लिख सकते हैं, इस वैल्यू को यहाँ से हटा दो तो ये हो जाएगा। फिर हम इसको अब कैसे लिख सकते हैं, ये देखो ये और ये आपस में इंटू होते हैं ना, तो डब्ल्यू बी इंटू एम ए और डब्ल्यू ए इंटू एम बी, ये हो जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए, ओके। तो अब हमें क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, तो मोलर मास निकल जाएगा,
आसानी से। एक मिनट, इसको साफ ही कर लेते हैं। चलो कैसे निकलेगा, देखो इसको ऊपर ले आओ, एम बी को, ओके इज इक्वल टू, इसको नीचे ले जा दो तो डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए इंटू ये, ओके ये वैल्यू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ओके आया समझ में। और ये वैल्यू आपको पता है क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, एक्स भी हो गया, तो ये आसानी से निकल जाएगा ऐसे में। ओके तो ठीक है, थैंक यू।